हेलो दोस्तों, तो क्या क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने कल वीडियो डाला था, वीडियो में मैंने बोला था तो जिन भी भाइयों को वीडियो बनाना है मुझे कमेंट करें जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना। तो कुछ भाई को कमेंट आई हुई है तो आज इस वीडियो में उन्हीं कमेंट का जवाब देगा। और सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जो भाई मेरे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जिन भाई को कमेंट आई हुई, कमेंट चेक कर लेते हैं। तो कुछ सवाल है भाइयों के मैं जिनका जवाब देगा। तो सबसे पहले एक भाई की कमेंट है, ये कॉलिंग वीजा क्या होता है? देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ कॉलिंग वीजा क्या होता है। जैसे आप इंडिया से वर्क वीजे पे आते हैं, जैसे काम करने के लिए आते हैं, तो जिस वक्त आप किसी एजेंसी में या फिर किसी एजेंट को आप अपना पासपोर्ट की फोटो कॉपी वगैरह देते हैं, आपकी फोटो कॉपी वो उस कंपनी में भेजता है जिस कंपनी में आपने काम करना है, तो वहाँ से कंपनी का लेटर निकलता है। जैसे वो आपको अप्रूवल दे देते हैं कि आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं, तो वहाँ से जो पेपर निकलते हैं उसी को कॉलिंग लेटर बोलते हैं। जो वहाँ से लेटर निकलता है आपके लिए कि आप अप्रूवल हो गए, इस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप जैसे मलेशिया में आ जाते हैं, आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी ले लेती है और कंपनी आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन में भेज देती है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर छप के आएगा जो कि मतलब वीज़ा भी बोलते हैं, जो परमट होता है, वो परमट होता है जो आपका 1 साल का, मतलब 1 साल का अप्रूवल हो जाता है कि आप 1 साल तक काम कर सकते हैं, उसके बाद वो हर साल रिन्यू होता है। तो जो कॉलिंग वीजा बोलते हैं, वो कंपनी से जो आपके लिए अप्रूवल लेटर निकलता है वही कॉलिंग वीजा होता है, उसी के कॉलिंग लेटर बोलते हैं। वैसे कॉलिंग वीजा हम लोग बोलते हैं कि आप कॉलिंग वीजे पे आए, इसका मतलब ये है कि आप कंपनी का अप्रूवल लेके आए, आप कंपनी का अप्रूवल लेटर ले तब आप लीगल तरीके से कंपनी में काम कर सकते हैं, तो उसी को कॉलिंग वीजा बोलते हैं। वैसे कॉलिंग वीजा कोई मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट कॉलिंग वीजा लिया और आप यहाँ पर काम करेंगे। कॉलिंग वीजा लेने के बाद भी आपको आपने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन में जमा करवाना, आपकी कंपनी जमा करवाएगी, उसके बाद आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लग के आएगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं कंपनी में, तब आप पक्के हो जाते हैं। वो आपके ऊपर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल तक आप जितने साल काम करेंगे वो हर साल रिन्यूअल होता रहता है। तो आगे देख लेते हैं कि भाई ये बोल रहा है, इसका नाम है अली अली खान, इन्फॉर्मेशन इसने लिखा हुआ, ये प्यारा बच्चे की फोटो लगाई है, मोटू हुआ ये लिखा हुआ भाई, वॉल पेंटिंग का जॉब मिल जाएगा क्या? देखो भाई, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको काम मालूम है और आप जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम पे आ जाते हैं, या फिर कोई फर्नीचर का काम आप जानते हैं, या फिर जैसे आपने बोला वॉल पेंटिंग का, तो वॉल पेंटिंग में आप कंस्ट्रक्शन में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको ये डेंटिंग पेंटिंग का काम आता है ना, तो आप जब कंस्ट्रक्शन कंपनी में वीजा लेके आते हैं, आप वहाँ पर कंपनी में आप बताएंगे कि मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आपको उसी चीज़ में डाल देते हैं। वो बंदे के एक्सपीरियंस के ऊपर वो किस मतलब उसको किस चीज़ की नॉलेज है, वो किस चीज़ का कारीगर है। जैसे टाइले लगाने का काम होता है कई जगह, फिर डेंटिंग पेंटिंग का होता है, फिर मतलब अलग अलग काम होते हैं उसमें, जो प्लम्बर का होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में आ जाता वो भी। उसके बाद फिर आगे देख लेते, कुछ कमेंट आई हुई है, भाई मेरा पासपोर्ट नहीं है कैसे बनाऊंगा? देखो, मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी कई वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है, आपके पास परमिट भी नहीं, आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो आप इंडियन एम्बेसी में जाए, वहाँ पर व्हाइट पासपोर्ट का बनाएगा, व्हाइट पासपोर्ट पर परमिट नहीं लगेगा, व्हाइट पासपोर्ट पर सिर्फ आप वापस जा सकते हो इंडिया। हाँ, अगर आपके पास परमिट है तो आप अपनी कंपनी से लेटर वगैरह ले, उसके बाद आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट बनवा सकते हैं इंडियन एम्बेसी में जाके, हाई कमीशन जो कि केल के अंदर है। उसके बाद फिर भाई ये आगे भी कमेंट आई हुई है, भाई मेरा फ्रेंड है मलेशिया में, परमिट नहीं है, अभी क्या करे? जिस कंपनी में काम करता है अभी वो बोलता है कि काम नहीं है। तो देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, मलेशिया के अंदर इस टाइम काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, जॉब जॉब की शॉर्टेज चली हुई। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इस वक्त जो यूक्रेन रशिया का वार छिड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस होते हैं ना एक दूसरे, मतलब जिस जिन कंट्री में बॉर्डर लगते हैं रशिया यूक्रेन के जो आसपास की जो कंट्री है, उनमें अभी सामान आना जाना बंद हुआ हुआ है क्योंकि वहाँ से मिसाइलें गिर रही है, तो उसकी वजह से सब बिजनेस ठप हुए हुए हैं। तो यहाँ पर मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का सामान बनाती है, फिर कुछ भी सामान बनाती है ना, वो बाहर नहीं जा रहा, तो यहीं पर स्टॉक हो रहा है। इसकी वजह से जो वर्कर काम करते हैं उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो वर्कर को निकाल रही है कंपनियाँ, जैसे जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं ना, चाहे जिसके पास परमिट भी हो,
परमिट मतलब बाहर का है, कहीं और का है, और काम उस कंपनी में कर रहा है, तो उन सबको निकाल रहे हैं। तो जितने भी कंपनियां नहीं मलेशिया के अंदर इस वक्त, एक तो इन्होंने परमानेंट ओटी बंद कर दिया, जो ओवर टाइम होता है, अभी बेसिक 8 घंटे का काम करना पड़ रहा है सबको। तो ये परेशानी चली हुई है, क्राइसिस पे है मलेशिया भी इस टाइम, इकोनॉमी डाउन डाउन आई हुई। तो एक आगे कमेंट आई हुई है, बिक्की भाई मैं मलेशिया में हूँ, 10 दिन हुए हैं टूरिस्ट वीजे पे आया हूँ। होटल जो मैं मेरे एजेंट बोलता था यहाँ परमिट लगेगा, 8,000 रिंगिट देने को देने होंगे, वो सैलरी से कटे होंगे, और बोला कि अभी परमिट नहीं लगेगा, ओपन होगा तब लगेगा। क्या यह राइट है बताना भाई? देखो परमिट अभी चालू हुआ भाई, देखा आप पहली बात तो अगर आप कॉलिंग वीजे पे आते तो आपका परमिट आपकी कंपनी लगा के दी, आप एजेंट के थ्रू आए, एजेंट आपको ट्रैवल वीजे पे लेके आया है, और जब तक आपका 1 महीने का जो परमिट होगा ना, जो ट्रैवल वीजा, वो एक्सपायर नहीं होगा, वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप वर्क वीजा अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में, वो वीजा एक्सपायर होएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वीजा ओपन है, मतलब रिहायरिंग सिस्टम चला हुआ है, आप किसी भी कंपनी का वीजा ले सकते थे। मैं आपको बताते हूँ कहाँ का वीजा आप ले, आप 8,000 रिंगिट उसको देंगे ना, इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जीएस ट्रैवल है, मस्जिद इंडिया के अंदर। अब मस्जिद जामे जाएंगे ना, रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे मस्जिद जामे, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है जीएस टूर एंड ट्रैवल, वहाँ पर जाएंगे आप, बहुत सस्ते में लग जाता है, 6 से 6,000 रिंगिट में आपका प्लांटेशन का वीजा लगवा ले, कंस्ट्रक्शन का 7,000 से 7,500 तक लग जाता है, आप 8,000 रिंगिट उसको गलत देंगे और आपका परमिट भी नहीं लगेगा, वो बोल रहा है फिलहाल। तो आगे कमेंट देख लेते हैं, ये एक भाई बोल रहा है, बिक्की भाई मेरा नाम रंजीत है, हरियाणा से हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, सॉरी भाई मैंने आपको देखा नहीं मैसेज, चलो मैं बाद में देख भी लेगा, लेकिन आप जो पूछ रहे हो मैं बता देता हूँ, जनवरी में मलेशिया आया था लेकिन अभी काम नहीं है, मुझे इंडिया जाना है, क्या मेरी हेल्प कर सकते? देखो भाई मैं इस चीज़ में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आपने क्या करना है, आप जितने भी दिन मलेशिया में इलीगल रहे हैं ना, 2 महीना 3 महीना 6 महीना, आप मलेशियन इमिग्रेशन का अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर फाइन भर के जा सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे, एजेंट आपसे 3 से 4 हज़ार रिंगिट लेगा, और वहीं अगर आप खुद जाएंगे 2,000 1,500 रिंगिट में आपका खुद का काम हो जाएगा, खुद करवा के आएंगे, फाइन भर के आएंगे और टिकट लेके अपने आराम से जाएंगे, एजेंट आपसे 3,3500 रिंगिट मांगेगा, और उसमें भी वो क्या पता आपके पैसे मार ले, क्योंकि मलेशिया में फ्रॉड ज़्यादा है, तो एजेंट को विश्वास नहीं करेगा भाई, देख मैं पहले बता रहा हूँ। और एक ही भाई बोल रहा है, भाई मलेशिया में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कैसे बनाया, नया नया हूँ। देखो भाई अगर आपके पास परमिट नहीं है और आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है तो आप बनवा सकते हैं आसानी से, आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, केएल में, जोरबारो में, या फिर मलाका में, पेनांग में, कहीं भी रहते हैं ना, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, मर्चेंट ट्रेड मनी का ऑफिस होगा आपके लोकेशन में, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर जाए, अपना पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी दे, उनको ओरिजिनल पासपोर्ट दिखा दे, वो आपको एटीएम कार्ड बना के दे देंगे, उसमें आप 20,000 रिंगिट तक सेव कर सकते हैं, आप इंडिया पैसा भेज सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं, फोन में कुछ सामान खरीदना हो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और कमेंट आगे देख लेते हैं, व्हाट इज योर नंबर ब्रो? देखो मैं नंबर ये नहीं दे सकता भाई, देखो नंबर मैं दे देता हूँ तो आप दिन रात सुबह शाम, एक तो मलेशिया का टाइम अलग है, 2.5 घंटे आगे मलेशिया का टाइम, जब यहाँ पर मतलब सुबह के 9 बजेंगे ना, सुबह के 9, इंडिया मतलब 2.5 घंटे पीछे होता है, तो वहाँ पर 7 का टाइम होगा, और 9 9 10 बजे के टाइम पे हम लोग ड्यूटी पे होते, काम पे होते, आप लोग ये सोचते हैं कि वो सुबह सुबह उठा होगा, कॉल उठाएगा, तो मेरे भाई हम लोग भी बिजी होते हैं, कई बार काम करते होते हैं, तो आप ज़्यादातर ये करें, आप वॉइस मैसेज करें, कमेंट करें वीडियो के अंदर, आपको जो भी पूछना है मैं कमेंट पे वीडियो बना देगा आपका, ठीक है ना? और आगे कुछ और कमेंट आई देख लेते हैं, भैया जी मलेशिया का पीसीसी कैसे और कहाँ से बनता है, यूरोप जाना है प्लीज़ बताएं। देखो भाई मलेशिया का जो, मलेशिया से आपको पीसीसी बनवाना है वो बनेगा, सबसे पहले आप जिस भी कंपनी का आपका परमिट है ना, आपकी कंपनी से आपको लेटर वगैरह लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, आपके जो नियर पुलिस स्टेशन है वहाँ से जाके अपना क्लियर सर्टिफिकेट निकलवाना है कि आप मतलब आपके ऊपर कोई क्राइम केस कुछ भी नहीं है,
वहाँ से आपका पुलिस रिपोर्ट निकलेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन इमिग्रेशन की साइट पे जाके, मलेशिया की इमिग्रेशन की साइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप नहीं करते, आप डायरेक्ट इमिग्रेशन में जाके वहाँ पर जो भी फीस है उसकी फीस पे करके वहाँ से बनवा सकते हैं। तो बहुत आसान है पीसीजी बनवाना, इतना मुश्किल नहीं है। अपनी कंपनी से लेटर लेने हैं, पुलिस रिपोर्ट निकलवानी है और इमिग्रेशन में जाके आप बनवा सकते हैं, अगर आपके पास कंपनी का पक्का वीजा है। तो गाइस आज की वीडियो में ये जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।